पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, बच्चों एवं बच्चियों, पास्का का चौथा इतवार और आज के पूजन विधि द्वारा हमें तीन पाठों को पढ़ करके सुनाया जाता है। पहला पाठ जो प्रेरित चरित्र से लिया गया है, दूसरा पाठ जो प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया है और तीसरा पाठ जो संत योहन के सुसमाचार से लिया गया है। इन तीनों पाठों पर मनन चिंतन करते हुए इन तीनों पाठों के द्वारा वचन हमें यही बताता है कि प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त चरवाहे का उदाहरण देते हुए, भेड़ों का उदाहरण देते हुए अपने आप को एक भाला गड़ेरिया के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है। प्रभु यीशु ख्रिस्त जब गड़ेरिये का उदाहरण देते हैं तो वे यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि एक गड़ेरिया किस प्रकार से अपनी भेड़ों का ख्याल करता है, उनका देखभाल करता है। वह अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण निछावर करने को तैयार रहता है। वह अपनी भेड़ों को उस हरे भरे मैदान में ले जाता है जहाँ पर कि उनकी भेड़ें अच्छी तरह से भोजन कर सके। वह उन्हें उस जल स्रोत के पास ले जाता है जहाँ पर वे पानी पी सके, अर्थात वह अपने भेड़ों का ख्याल करता है। हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त ठीक उसी प्रकार से हमारा ख्याल करते हैं। वे हमारे चरवाहा हैं, वे हमारे गड़ेरिये हैं, वे हमारे सर्वस्व हैं। और इसी का उदाहरण हम आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं, जहाँ पर नौ दीक्षित पौलुस अंताकिया में लोगों को प्रभु के बारे में प्रचार करते हैं, प्रभु के बारे में बताते हैं। हम यहाँ पर पौलुस के व्यवहार को, प्रभु को अपनाने से पहले का हम देखते हैं कि वह कितना कट्टर था और प्रभु का विरोधी था, लेकिन उसने प्रभु की आवाज़ को सुना, प्रभु की आवाज़ को पहचाना और उसने अपने गलत रास्तों को छोड़ करके प्रभु के पीछे हो लिया, अर्थात वह प्रभु को अपना चरवाहा माना, प्रभु को वह अपना गड़ेरिया माना, वह प्रभु के पीछे हो लिया। और यही कारण है कि वह अंताकिया में और भिन्न भिन्न जगहों में जा करके प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। आज के दूसरे पाठ में जो प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया है उसमें स्पष्ट किया जाता है कि इतने लोगों की संख्या है जिनकी गिनती नहीं हो सकती है और उनके बारे में पूछा जाता है कि ये कौन से लोग हैं, और जवाब मिलता है ये वे लोग हैं जो मेमने के रक्त में अपने वस्त्रों को धो करके उजले कर दिए हैं। इसका तात्पर्य यही है कि ये वे सब हैं जो प्रभु के अनुयायी हैं, जो प्रभु को अपना चरवाहा मान करके उनके पीछे पीछे चलते हैं और प्रभु उनका अगुवाई करते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब प्रभु हमें भेड़ों का और गड़ेरिये का उदाहरण देते हैं तो हमें यह स्पष्ट करते हैं कि जो भेड़ें होती हैं अपने मालिक की आवाज़ को केवल पहचानती हैं, और जिस तरह से आवाज़ वे सुनती हैं वे तुरंत उनके पीछे हो लेती है। हम देखते हैं भेड़ों को, वह ज़्यादा अपने सिर को नहीं उठाती है लेकिन अपने मालिक की आवाज़ को सुनती है और उसी के अनुसार वह आगे बढ़ती है। उनकी आवाज़ को वे सिर्फ पहचानती है और वे इतना भरोसा रखती है अपने मालिक पर कि मालिक उन्हें जिस आवाज़ से पुकार करके कहीं भी ले जाना चाहता है वह उन्हें ले जाता है, और उनका भरोसा है कि उनका मालिक, उनका चरवाहा उन्हें कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं ले जाएगा जहाँ पर उनका दुर्घटना हो, चाहे उनका घात हो जाए।
इसीलिए आज प्रभु हमें यही बताते हैं कि मैं भला गड़ेरिया हूँ, मैं अपने लोगों के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ और सिर्फ हमारे लोग मेरा अनुसरण करें, हमारी आवाज़ को पहचानें। धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, नबी इसाइस के धर्म ग्रंथ को, तो उसमें अध्याय 49 पद संख्याएं 15 और 16 में स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या माँ अपने दुधमुहे बच्चे को छोड़ सकती है? यदि वह छोड़ भी दे, यदि वह भुला भी दे, तो मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा, मैं तुम्हें अपने हथेलियों पर अंकित किया है। इसका मतलब यही है कि प्रभु हमारा सच्चा गड़ेरिया है, वह प्रत्येक भेड़ों को उनके नाम से जानता है, और जो नाम से जानते हैं उसका अर्थ यही होता है कि वह उसे कितना प्यार करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हमें कोई नाम से पुकारता है, हमें कितना अच्छा लगता है, हमें कितना सुंदर लगता है, एक अपनापन की भावना आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें कहते हैं कि मैं तुम्हारे नाम को अपने हथेलियों पर अंकित किया है, अर्थात वे हमें बहुत प्यार करते हैं। हम सबों को सिर्फ अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुयायी बनना है, हमें उनकी आवाज़ को पहचानना है और हमें उनके पीछे पीछे चलना है। जब हम उनकी आवाज़ को पहचान लेते हैं, हम उनके पीछे पीछे चलते हैं, तो प्रभु हमें भरपूर चरागाह के पास ले जाते हैं, अर्थात हमें प्रभु आशीर्वाद देते हैं, प्रभु हमें अपनी कृपा से भर देते हैं, प्रभु अपने कृपादानों से हमें भर देते हैं, वे हमें इतने आशीर्वाद देते हैं कि हम फलते हैं, फूलते हैं और प्रभु के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हम प्रभु की उस आवाज़ को सुने जो प्रभु हमसे कहते हैं, हमें ये बताते हुए कि तुम सभी मेरी भेड़े हो, मेरी आवाज़ को पहचानो। जी हाँ, यदि जब हम प्रभु की आवाज़ को पहचानते हैं तो हम प्रभु के पास आते हैं, क्योंकि वही हमारा भला गड़ेरिया है, वही हमारा ख्याल करता है, वही हमारा देखभाल करता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु के पास आएँ, प्रभु से हम संयुक्त हो जाएं, प्रभु हमारा जो भला गड़ेरिया है उससे हम मिल जाएं, जिससे वह हमें हरे भरे मैदानों में चरा सके, हमें जल स्रोत के पास ले जा कर के हमें संजीवन का, नवजीवन का हमें संचार कर सके। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।